लगातार चाइना के अगेंस्ट बातें चल रही हैं और मैं जानता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करता है अभी, क्योंकि अल्टीमेटली सुहेल सेठ भी उस दिन यही कह रहे थे, अद्वैता जी ने बीच हफ्ते के बीच में शो किया भाई एकदम से। उस दिन भी मैं कह रहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ कि आई थिंक समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन ऑन चाइना आने वाले 2-3-4 दिनों में, और कुछ तो भी एक मूवमेंट बन रहा है पीछे जिसमें गवर्नमेंट्स अपने ऑफकोर्स वो ऐसे बता के तो करते नहीं है ये लोग कुछ भी, लेकिन जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया बहुत कीन है, ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि इसकी पूरी जांच पड़ताल हो और जो भी इसमें कसूरवार हो, पहली बात तो नंबर वन ये पता चले कि भाई ये मैनमेड था कि आर्टिफिशियल था, सॉरी मैनमेड था कि ये ऑर्गेनिक था, कि अपने आप कैसे ऐसा वायरस बना है भाई। डेल्टा वर्जन की भी लोग बात कर रहे थे कि जिसमें यू नो प्री डायबिटिक सिम्टम्स भी आ रहे हैं, और सुहेल सेठ कह रहे थे कि बोले चाइना से पूरा वर्ल्ड इस बुरे तरीके से कमर्शियली कॉम्प्रोमाइज है कि भले ही चाइना ने किया हो कोई कहेगा नहीं दादा, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे लीडर्स भी आ गए हैं अभी वर्ल्ड सीन में, जैसे हमारे एक मिस्टर मोदी, ऑस्ट्रेलिया के जो अभी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये लोग भाई दे आर नॉट टेकिंग इट लाइंग डाउन, क्या बोलते हैं ये लोग दादा, दे आर, उनको अमेरिका से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुहेल सेठ उस दिन बहुत अच्छा बोले अमेरिका के बारे में, बोले कि अमेरिका में सिर्फ भाई एक ही आइडियोलॉजी है, मनी। आप पैसा दोगे काम हो जाएगा, जो करना हो करा लो। और वही चाइना ने यूज किया अमेरिका का वीक पॉइंट, कि इतना ज्यादा करप्शन फैलाया है अमेरिका में भी चाइना ने, कैसे इतनी बड़ी चीज हो गई, और एक भी किसी भी देश का बड़ा मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आके ये नहीं कहते हैं कि देशवासियों हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो चीज जिसने हमको घुटनों पे ला दिया ये आई तो आई कहां से, क्या ऐसा कुछ नेचुरल भी बन सकता है जो इतना हमें परेशान कर दे, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखा इतने सालों में, 60-70 साल की जो मॉडर्न वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं उसमें अभी तक तो ऐसा नहीं होता। अब स्पेनिश फ्लू वगैरह जो ये लोग कहते हैं और जो उस समय का 1918-1921 अपन ने तो देखा नहीं भाई, अपन को पता नहीं, लेकिन अपनी जीती जागती हिस्ट्री में ऐसा तो कुछ देखा नहीं अपन ने कि पूरी सड़कें बंद हो गई हों, ट्रेनें बंद हो गई हों, काम बंद हो गया हो। नहीं तो सही कह रहा है, मैं अभी तक जो भी एविडेंस आया है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि भैया ये वायरस लुक्स लाइक अ मैनमेड। और एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एक ऐसा वायरस जो वुहान में शुरू हुआ सारी दुनिया में फैल गया है ना, सब जगह फैल गया, बीजिंग शंघाई नहीं गया, बस बताइए अभी आप ऐसे कैसे हो सकता है। अगर वुहान में है और यूरोप में चला गया, यूएस और इंडिया में आ गया और सब जगह चला गया, बट चाइना में नहीं गया, वुहान के अलावा कहीं नहीं गया, शंघाई में नहीं गया, बीजिंग में नहीं गया, ये सबसे बड़ा यू नो आई थिंक इट्स बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क टू द वर्ल्ड। इस पे सुहेल सेठ ने बहुत अच्छा बोला दादा कि when the whole world is on its knees, China is standing and laughing. Hi, this is Alok. मेरा नाम है नितिन, और अगर आप पूरा एपिसोड सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करो। और नितिन ने जो कहा आप लोगों ने नहीं किया तो लिंक आपको जरूर देख लेगी। Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you.